10 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट नीट JEE का एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही हज़ार स्टूडेंट का मेडिकल कॉलेज या अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो पाता है। आखिर रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि अच्छी पढ़ाई के साथ साथ आपको अच्छा गाइडेंस भी चाहिए, जैसे कि कैसे आप खुद को 2 साल तक बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के मोटिवेटेड रख सकते हो, आपका टाइम टेबल कैसा रहेगा, आपके टेस्ट सीरीज का पैटर्न कैसा रहेगा, MCQ सॉल्व करने का अप्रोच क्या होगा, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट, आपके वीक पॉइंट, फाइनल एग्जाम के दिन कैसे आप टाइम को स्ट्रेस को मैनेज करोगे। वसीम सर ट्यूटोरियल्स में अच्छा पढ़ाने के साथ साथ आपको अच्छा गाइडेंस भी दिया जाता है। सभी स्टैंडर्ड के एडमिशंस अभी ओपन है, इंक्लूडिंग CBSE एंड ICSE बोर्ड्स। पुणे में दिन दहाड़े लूट के लिए ज्वेलर्स पर हमला, हमले की वारदात हुई CCTV में कैद। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गुरुवार 19 मई को पुणे के दत्तनगर जांबुलकर वाड़ी परिसर में एक ज्वेलर्स की दुकान है, यहाँ पर एक वारदात हुई है और ये वारदात CCTV में कैद हुई है। ग्राहक बनकर आया हुआ लुटेरा काफी देरी तक दुकान में बैठा रहता है और फिर अचानक अपनी बैग से चाकू निकालकर ज्वेलर्स पर हमला कर देता है। किस तरीके से ये ग्राहक बनकर आया हुआ लुटेरा बैठा है और बाद में हमला करता है और किस तरह से इस हमलावर लुटेरे से ये दुकानदार ज्वेलर लड़ता है, देखिए इस CCTV फुटेज में। दत्तनगर जांबुलकर वाड़ी परिसर के विनोद कुमार भागचंद सोनी की ये दुकान है। CCTV फुटेज में दिखने वाले ज्वेलर्स भी विनोद कुमार ही हैं। उनकी शिकायत पर भारतीय विद्यापीठ पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। CCTV के आधार पर पुलिस आगे की जाँच कर रही है।